बंगाल के लोग की सोच अच्छी है। नहीं सही बात है, यहाँ स्टेट जिस स्टेट में हम लोग की सोच बुरी है, गलत करेगा उसी के फेवर में करूंगा। सुनिए ना, 20 रुपए का बिल दीजिए, 199 वाला, 199 वाला। सब पैसा गर्लफ्रेंड छीन लिया दिल्ली में। और माता ने कहे 2 5 6 2 सतर्कता तैयारी की वो बात कर। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गणेश और इस वक्त मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, और यहाँ से आज हम जाएंगे जयनगर बिहार नेपाल बॉर्डर। फिलहाल दिल्ली से जयनगर के बीच 3 ट्रेनें चल रही है, एक है गरीब रथ एक्सप्रेस, दूसरा है अमृतसर जयनगर क्लोन, और तीसरा है जिससे आज हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं, ट्रेन नंबर 02562 स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। फुल जर्नी करेंगे फ्रॉम नई दिल्ली टू जयनगर। फिलहाल मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर, क्योंकि ट्रेन हमारी 13 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर, और ठीक हमारे सामने लगी हुई है नई दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। इसका यहाँ से चलने का टाइम है 9:15 पर, और लगभग 22 घंटे बाद, लगभग 1235 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुँच जाएंगे जयनगर कल शाम 7:30 बजे के आसपास। स्लीपर में जर्नी होने वाली S6 कोच है और मिडिल बर्थ है। तो वेलकम टू दिस ट्रेन जर्नी ऑफ स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ऑन योर रन ऑन ट्रैक। चले चलते हैं कोच के अंदर और उसके बाद दिखाते हैं आपको इस ट्रेन का लोकोमोटिव। चलिए बैग रख दिए और अब आपको दर्शन करवाते हैं इस स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस का लोकोमोटिव का। सबसे आगे जाना होगा और ये रहा कानपुर शहर का WAP-7 लोकोमोटिव के साथ चलती है हमारी स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। देखा जाए तो मैक्सिमम ट्रेनें अब WAP-7 लोकोमोटिव के साथ ही चलती है, और ठीक हमारे सामने लगी हुई है इस साइड नई दिल्ली कानपुर एक्सप्रेस। तो फिलहाल ट्रेन हमारी चल चुकी है नई दिल्ली से ऑन टाइम 9:15 पर फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 13। इसके बाद ये ट्रेन सीधा रुकेगी अलीगढ़, उसके बाद कानपुर, लेकिन हम आपसे मिलते हैं सीधा प्रयागराज जंक्शन में, जो कि आएगा सुबह 5:30 बजे के आसपास। अलीगढ़ भी सोचे कवर करेंगे लेकिन छोड़ दीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट। फिलहाल देश की राजधानी को बोल दीजिए बाय बाय, गुड नाइट। अरे दिखाइए ना, ट्रेन नंबर देखो, ट्रेन नंबर 024 वह प्रयागराज है आपका, स्वतंत्रता सेनानी है ये। यार समझते ही नहीं है, अब 100 स्पीड पकड़ने का तब उतरना। एक काम कीजिए, अलीगढ़ रुकिए, प्रयागराज अलीगढ़ का निकट लिए हुए हैं। अच्छा भलाई बता रहे तो अलीगढ़ उतर जाइएगा। अब आप इसे क्या बोलिएगा, मिस अंडरस्टैंडिंग या फिर बेवकूफ़ी, जो भी बोलिए। मिलते हैं आपसे सीधा प्रयागराज जंक्शन में, तब तक के लिए गुड नाइट। कहाँ जाइएगा, कहाँ जाइएगा, सकरी। चलिए जयनगर तक जाएंगे, हाँ तो आधा घंटा पहले, नहीं सॉरी 1.5 घंटा पहले, मधुबनी से पहले है ना। कितना पानी, कितना करके 15 ना, ठीक है बिल दीजिएगा हमको। कितना सही से बोल, कितना है, चेंज नहीं है, सीधा लेगा 20 रुपया। अरे तो 15 रुपये था मैंने बोतल का, ठीक है हमको बिल दीजिए 15-20 रुपये का, हम ले लेंगे। अरे हल्ला कहाँ कर रहे हैं, मेरा पास चेंज नहीं है 5 रुपया। क्या बोले, 15 रुपये आपसे मेहमानी करेंगे भैया, मेरा यही काम है।
तो यदि आपको लगे कि किसी सामान का दाम ज़्यादा है तो आप सीधा बिल मांगिए, दाम अपने आप कम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5 बज चुके हैं और लगभग 635 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं संगम नगरी प्रयागराज 25 मिनट बिफोर, क्योंकि इसका 5:25 में टाइमिंग था, आइए 5 बजे। और इस 635 किलोमीटर की दूरी को हम तय किए हैं लगभग 8 घंटे में, और हमें तय करना है 600 किलोमीटर लगभग 14 घंटे में, क्योंकि इसके बाद इस ट्रेन का स्टॉपेज ज़्यादा है। इसके बाद हमारी स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस इस हावड़ा दिल्ली लाइन को छोड़कर चले जाएगी बनारस में, तो मिलते हैं सीधा बनारस में। भैया चाय दीजिएगा एक। कितना हुआ? 10 रुपये। ट्रेन हमारी पहुंचने वाली है ज्ञानपुर रोड, और ये जो लाइन है प्रयागराज बनारस सेक्शन, ये टोटली सिंगल लाइन है, इसलिए जब उस ओर से कोई ट्रेन आती है तो इसे फालतू में रोक दिया जाता है। डबलिंग का काम किया जा रहा है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बनारस रेल इंजन कारखाना यही वाला है। ट्रेन हमारी स्किप कर रही है मंडवा डी, जिसका कि अब नाम हो गया है बनारस, और ठीक सामने लगी हुई है लोकमान्य तिलक बनारस एक्सप्रेस वाराणसी। तो स्वागत है आपका द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया बनारस में। बनारस का बनारस कैंट रेलवे स्टेशन है ये, इसके अलावा बहुत सारे स्टेशन है, बनारस सिटी है, मंडवाडी है, मंडवाडी का नाम भी अब हो गया बनारस। BBS वाई इसका स्टेशन कोड नंबर प्लेटफॉर्म 9, और अब हम आ गए नॉर्दर्न जोन के लखनऊ डिवीजन में। इसके बाद ये लाइन चली जाएगी सीधे मुगलसराय की ओर, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे औरनिहार गाजीपुर की ओर बनारस सिटी के रास्ते, जिसके लिए हम इस स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी कर रहे हैं। तो मिलते हैं सीधा औरनिहार जंक्शन में। दो भैया पनीर चावल होगा, पनीर मखनी अलग से चावल होगा, बस 199 में लिखा है। ना ना इन्हें दिए बिरयानी खाना है। हाँ खाना क्या? 199 वाला। 199 वाला। अरे यही तो बोला आपका स्टाफ ने। हाँ तो लेके आइए खाना ऑर्डर। खाना भैया ये खाना काट दिया। नहीं नहीं दिया है, वो थाल लड़ा टाइप का, उसको काट के पनीर मखनी चावल ला के देना। 199 वाला है। इसको लिख लो, मैं बोल रहा हूँ ना, हमको 199 वाला चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लिख लो, उसका ऑर्डर तो लिख नहीं रहे हो तुम, नहीं तो हम ला के दे देंगे इसको। पनीर ला करके दे देगा 199 मिलेगा। पनीर मखनी चावल 199 का है, दाल मखनी चावल 169 का। मेनू चार्ट दिखाइए तो जब अंकल जी बोल रहे हैं कि 199 वाला खाना है तो फिर होगा ही ना। आप लिखिए ऑर्डर 629 चढ़ाए, आप उसके लिख लो खाना में क्या क्या है। ठीक है भाई साहब, अरे तुम जाओ ना यार, अरे हमको पता है, हमको पता है जो कर रहे हो उससे को समझो, जो कर रहे हो उसको समझो। सुनिए अंकल, 190 वाला खाना अभी इनको अभी तक नहीं मिला है पैंट्री स्टाफ से, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे तो आप लोग का गलती है, 15-20 आप बिल मांगिए, आप बिल मांगिए भैया। जो चीज होना नहीं जाना है,
नहीं भाई, उनका शिकायत करना जरूरी है ना। वो सब छोड़िए, 199 में कौन सी है, और 199 का जो मेन्यू है उसमें है भी कि नहीं है? अरे वो झूठे कहे, कोई खाना नहीं है। अरे वो बेच रहा है बिरयानी, हमको बता बना है। तो बिरयानी हमको लगा कि 199 वाला खाना खाएंगे, आप लोग बोल रहे कि 199 का ऐसा कुछ है ही नहीं। औड़ी हार जंक्शन, दोस्तों ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन गई है मऊ की ओर, और एक लाइन जिधर से हम जाएंगे गाजीपुर सिटी की ओर, और ये औड़ी हार वही जगह है जहाँ लड़ाई हुई थी स्कंदगुप्त और हूणों के बीच, स्कंदगुप्त वर्सेस हूण, जिसमें हमारे स्कंदगुप्त जी ने विजय की प्राप्ति की थी। ये औड़ी हार का मतलब ही होता है हूणों को हारना, और ये औड़ी हार आता है गाजीपुर ज़िले में उत्तर प्रदेश के। दोस्तों जिस तरह स्कंदगुप्त ने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर हमारे देश की रक्षा की थी, ठीक उसी तरह आज भी गाजीपुर ज़िले के युवक अपने देश की रक्षा के लिए मिलिट्री में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो गांव है गहमर, जिसके बारे में कहा जाता है हर एक घर से एक फौजी भाई निकलता है, ये लेजेंडरी गाँव भी इसी गाजीपुर ज़िले में है। इस स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी के लिए ना सही, लेकिन द सेवियर ऑफ इंडिया हूण विजेता स्कंदगुप्त जी के लिए एक लाइक इस वीडियो पर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं गाजीपुर में, यहाँ पर सिर्फ इसका 2 मिनट का स्टॉप है। दोस्तों ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारो क्या कहना, ये देश है वीरों का गहना है ना। मिलते हैं गाजीपुर में, ट्रेन का सिग्नल हो गया, जय हो औड़ी हार। जहाँ से गाड़ी खुलती है वहाँ से फाइन होता है, उसको पैसेंजर से मार नहीं कर अरे सुन ना भाई, सुनना उतना बहस भाई, सुनना मेरे भाई बहस मत कर। अरे बहस करने का अच्छा है कुछ लेने को बोलना छोड़ देगा, आज बंगाल में चले जाइए, मजाल नहीं कि कोई वो चढ़ जगह पे दो टिकट। सही बात है, बंगाल को अच्छा क्यों, बंगाल के लोग की सोच अच्छी है। नहीं सही बात है, यहाँ स्टेट जिस स्टेट में हम लोग की सोच बुरी है, गलत करेगा उसी के फेवर में करोगे। एक आदमी खत्म करेगा साला, 1000 आदमी ट्रेन में जा रहा है, दिक्कत होती है, एक आदमी उसको बोलने वाला नहीं है। हम लोग बोलेंगे 50 को आदमी उठ जाएगा बोलने के, अगर मर बैठे 50 को मार के। अब अभी देखिए कारण पकड़े, अगर टूट जाता कटता था क्या करता, टीटी बाबू को ऐसे कट गया, अगर टीटी बाबू बाबू को ऐसे कट गया 50 पैसेंजर करने लगता, लेकिन पैसेंजर की गलती कोई बोलता नहीं। हम देखे कि हाथापाई क्यों हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आ गए, हम उसको देखे थे ट्रेन से। जाएगा तुम जनरल में, जा भाई चले जाओ जनरल, चलो ना सीधा अंदर अंदर जनरल में, जनरल को भी चले जाओ। S629 गणेश कुमार गाजीपुर सिटी, और ठीक हमारे सामने लग आनंद विहार गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं शहीदों की नगरी गाजीपुर, और ये गाजीपुर जाना जाता है अपने यहाँ अफीम के कारखानों के लिए। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा कानूनी अफीम कारखाना इसी गाजीपुर में मौजूद है, जिसे कि बनवाया था 1820 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए दवा का उत्पादन करता है। इसका यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है, इसके बाद आएगा बलिया, GCT हुआ इसका स्टेशन कोड, और ये टोटल 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है गाजीपुर। रेलवे बताओगे? अरे आप बिल दीजिए भैया, आप बिल दीजिए, 20 रुपये का बिल दीजिए। अरे आप 20 रुपये का बिल दीजिए, 20 रुपये में बेचिए, 50 रुपये में बेचिए। अरे आप हमको बिल दीजिए ना, बिल कहीं दे रहे ना। अरे अपना वर्दी के पीछे लिखल रहते हैं आपका नो बिल नो पे, तो फिर बिल कहीं देते हैं? कहाँ लिखा है वर्दी के पीछे? ये लिखा हुआ है तो लिखवाइए, नहीं लिखा हुआ है तो लिखवाना पड़ेगा ना आपको।
अरे भैया आप आईआरसीटीसी में काम करते हैं, बाहरी वेंडर नहीं है आप? ठंडा पानी क्या नहीं कुछ भाई, 15 रुपया का पानी 20 रुपया में बेच रहा है। ठंडा पानी माजा दूध फ्रूटी। अरे नो बिल नो पे लिखा हुआ है ना, तो फिर बिल का दे रहे? ठंडा पानी माजा दूध फ्रूटी। क्या बोले शुरू कीजिएगा? मेन्यू में क्या क्या है? चावल दाल सब्जी पूरी अचार। कितना? 100 रुपये। हमारा सीट का वही है ना भाई, S6 29 नंबर। 29 नंबर है? हाँ ठीक है। एक ठो हाँ जा गया आप। तो लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बलिया। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला भी है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक बलिया भी एक ज़िला है। इसके बाद आएगा सुरेमानपुर, लेकिन मिलते हैं सीधा छपरा में। DUY हुआ इसका स्टेशन कोड, और फिलहाल 3 प्लेटफॉर्म का है ये बलिया स्टेशन। दोस्तों पता नहीं पेंट्री वालों को एक्चुअल जितना दाम है सामान का उतने दामों में ही बेचने में क्या होता है। बार बार हम लोगों को मौका दे देते हैं वीडियो बनाने का। फिलहाल खाना आ गया है, अंदर जाकर उसी का रिव्यू करते हैं। मिलते हैं छपरा में। ऐसा कौन सा मजबूरी कर दिए हो? इसका दाम कितना है? ऐसा कौन सा एहसान कर दिया इसमें? दाम इसमें नहीं लिखा हुआ है। लिखा है 20 लेरी का दाम है 20 रुपये, समझे? 20 लेरी ला कर दीजिएगा ना तो हम 20 रुपये में ले लेंगे। इस सब लोकल कंपनी का बोतल अरे पैसेंजर के लिए 15 रुपया में अवेलेबल है, आप 15 रुपया में बेचिए, बकवास मत कीजिए, समझे? इसका दाम एक तो भी कहा ना हो, हम लोग के लिए आप 15 रुपये में ही बेचिएगा। ये लेकिन कोई बात नहीं हुआ आप, ये कोई आपका जवाब नहीं हुआ। 2 रुपये दाम है, 3 रुपये दाम है। यूपी बड़ा दिल्ली बड़ा से ये कचरे का बिहारी से कचरे के अरे लड़ाई झगड़ा का बात नहीं है, मेन बात है जितना एक्चुअल प्राइस है उतना बेची ना, क्या दिक्कत है? इसको लाके देना पड़ा भैया। ये है इस स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस के पेंट्री का खाना। चावल दाल है और ये 4 गो पूरी। 4 गो पूरी 100 रुपये का। खाता हूँ और बताता हूँ आपको कैसा है ये स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के पेंट्री का खाना। पहली बार पेंट्री वालों ने अपने खाने से खुश कर दिया भाई, मतलब लाजवाब खाना था 100 रुपये के हिसाब से। दाल भी गाढ़ा था, चावल भी ठीक था, काबुली चना का सब्जी भी ठीक था, और अचार को भी नहीं भूल सकते, मतलब अच्छा खाना था 100 रुपये के हिसाब से। गुड, एक्सेलेंट फूड। सामने लगी हुई है नई दिल्ली सहरसा वैशाली एक्सप्रेस। इसका टाइम है नई दिल्ली चलने का 9 बजे के आसपास, ये भी चलती है। तो अब हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश से बिहार में, और ये है बिहार का सारण जिले का हेडक्वार्टर छपरा। छपरा का छपरा जंक्शन है ये। CPR हुआ इसका स्टेशन कोड। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन तो ये हो गई इधर से हम आ रहे हैं गाजीपुर की ओर से, और एक लाइन जाती है यहाँ से सिवान गोरखपुर की ओर, और एक लाइन जाती है यहाँ से जिधर से हम जाएंगे हाजीपुर की ओर। और अभी तक हम बनारस डिवीज़न में ही है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन के। इसके बाद आएगा सोनपुर, लेकिन लास्ट टाइम हम छपरा आए थे बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी में। और बात करें इस स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस की, तो अब तक ये ट्रेन राइट टाइम ही है, बिफोर ही है 5 मिनट। गाड़ी फर्स्ट क्लास है, साफ सफाई भी अच्छा है, बस इसका वाशरूम सामने से चल चुकी है वैशाली एक्सप्रेस नई दिल्ली सहरसा प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। ये भी इस ट्रेन की भी जर्नी मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ, इंतज़ार कीजिएगा। फुल जर्नी करूँगा फ्रॉम सहरसा टू नई दिल्ली। अरे सब पैसा गर्लफ्रेंड छीन लिया दिल्ली में। तो और माता ने कहे छेड़ी हो जाए गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड खाई।
बिहार में डॉक्टर बिहार में आए हैं माँ से पैसा मांगने। मम्मी के तरफ कभी नहीं जाएंगे, माँ को बोलेंगे दीजिए पुतों के ऊपर पैसा खर्चा करेंगे। तब माँ के पैसा के लिए भूल जाए पुतों को याद करेंगे। ऐसे ही थोड़ा रेस्ट करने के आ गया इन लोग वसूली करने के लिए। दोस्तों मेरी ट्रेन जर्नी में ये लोग ना आए ऐसा कभी हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम 5-10 दे देते हैं। फिलहाल मेरे पास छुट्टा नहीं था इसलिए नहीं दिए, लेकिन इससे पहले जो आया था ना बनारस के आसपास उसको हम दिए थे, दे ही देते हैं 5-10 रहता है तो, छुट्टा नहीं इसलिए नहीं दिए। चलिए अब मिलते हैं हाजीपुर में। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ केला ही मिल रहा है, केला ही केला, केला ही केला। सारण जिले से अब हम आ गए वैशाली जिले में, और ये है वैशाली जिले का हेडक्वार्टर और साथ ही साथ पूर्व मध्य रेल ईस्ट सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर हाजीपुर। HJP हुआ इसका स्टेशन कोड नंबर, प्लेटफॉर्म 5, और ये एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से एक लाइन गई मुजफ्फरपुर की ओर जिधर से हम जाएंगे, और एक लाइन जाती है यहाँ से बरौनी की ओर वाया महनार शाहपुर पटोरी के रास्ते। मिलते हैं सीधा मुजफ्फरपुर में। और बाकी ये हाजीपुर अपने छोटे छोटे पीला वाला केले के लिए तो जाना ही जाता है, जैसा कि देख सकते हैं पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ केला ही केला मिल रहा है। कैसे केला हो भैया? हो भैया केला कैसे? 16 को वाला है। अरे क्या दिक्कत है, जुड़वा है तो लीजिए चेंज कीजिए, उठाइए। अरे उठाइए नहीं यहाँ से, कोई बात नहीं है, वेलकम। स्वागत है आपका बिहार के चौथे सबसे बड़े शहर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जनसंख्या के हिसाब से मुजफ्फरपुर में। MFP हुआ इसका स्टेशन कोड नंबर, प्लेटफॉर्म 6 है शायद, और ये जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन गई है सीतामढ़ी की ओर, एक लाइन यहाँ से गई है गोरखपुर की ओर वाया नरकटियागंज, और एक लाइन यहाँ से गई है जिधर से हम आ रहे हैं, और एक लाइन जिधर हम जाएंगे समस्तीपुर की ओर। और ये मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन आता है सोनपुर डिवीजन में ईस्ट सेंट्रल जोन के, और यहाँ पर हमारी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पहुँची है पूरे आधे घंटे बिफोर, 3:25 में टाइमिंग था, यहाँ पर आ गई 2:55 पर। कि ये मुजफ्फरपुर अपने शाही लीची के लिए तो जाना ही जाता है, नहीं पता है तो फिर जान लीजिए। मिलते हैं समस्तीपुर में। शाम 4:20, गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 4:20 हो चुके हैं, ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है समस्तीपुर जंक्शन। ये समस्तीपुर एक डिवीजन भी है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में, इसका यहां आने का टाइमिंग था शाम 4:35 पर, आइए 4:20 पर, यानी 15 बिफोर। और ये समस्तीपुर एक वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है, क्योंकि एक लाइन तो ये हो गई जिधर से ये ट्रेन हमारी आ रही है, एक लाइन जिधर हम जाएंगे दरभंगा की ओर, और एक लाइन जाती है यहाँ से खगड़िया की ओर वाया हसनपुर रोड, और एक लाइन जाती है यहाँ से बरौनी की ओर। SPJ हुआ इसका स्टेशन कोड, और ये टोटल 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। मिलते हैं दरभंगा में। यहाँ से इस गाड़ी का रैक रिवर्सल होगा, यानी ये ट्रेन यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी दरभंगा की ओर। ट्रेन यहाँ आधे घंटे से ऊपर रुकेगी, इसीलिए बाहर आएगा चाउमीन खाने के लिए। वापस ट्रेन में आ गए समस्तीपुर में, लगभग ट्रेन खाली हो चुकी है, और जो बचा कुचा है वो दरभंगा में खाली हो जाएगा, और हम साइड लोअर में आकर बैठ गए। ठीक हमारे सामने लगी हुई है दरभंगा से कोलकाता जाने वाली मैथिली एक्सप्रेस। फिलहाल ट्रेन हमारी चल चुकी है समस्तीपुर जंक्शन से ऑन टाइम 5:00 रिवर्स डायरेक्शन में दरभंगा की ओर। दरभंगा बिहार का 5वां बड़ा शहर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और मिथिलांचल की राजधानी, और अब तक तो दरभंगा में एयरपोर्ट भी खुल चुका है पूरे देश के आम नागरिक स्कीम के तहत, और ये दरभंगा
समस्तीपुर डिवीजन में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला रेलवे स्टेशन भी है। डीबीजी वाइस का स्टेशन कोड नंबर प्लेटफॉर्म 5 और ये समस्तीपुर डिवीजन का एक स्टेशन है। तो ट्रेन हमारी दरभंगा से चल चुकी है और काफ़ी लोग इस स्टेशन में उतरे हैं। कुछ गिने चुने लोग ही जाएंगे सकरी और मधुबनी तक, बाकी लोग तो यही दरभंगा में ही उतर गए। मिलते हैं सीधा मधुबनी में, इसके बाद आएगा सकरी, लेकिन वो स्किप करेंगे। बेकार में ही पानी के लिए लड़ाई कर रहे थे। यहाँ देखिए फिल्टर लगा हुआ है, जस्ट इस बटन को पुश कीजिए। अच्छा, पुश करके रखना होगा और पानी गिरने लगा, छोड़ेगा तो बंद हो जाएगा, इसको पुश करके रखना होगा। पहले पानी टेस्ट करके देखते हैं पानी कैसा है। पानी अच्छा है, रेल नीर जैसा है। तो ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है मधुबनी और ठीक उस साइड लगी हुई है दरभंगा अहमदाबाद जनसहन एक्सप्रेस का रैक। तो ये है मधुबनी स्टेशन भाई लोग, ये जाना जाता है अपने मिथिला पेंटिंग यानी मधुबनी पेंटिंग के लिए। महिलाओं द्वारा इस पेंटिंग को ज़्यादा बनाया जाता है। और ये जाना जाता है अपने मखाना के पैदावार के लिए। मखाना समझते हैं ना, प्रिकली वाटर लिली, काफ़ी प्रोटीन होता है इसमें। इस साइड यानी मधुबनी साइड इसकी काफ़ी अच्छी खासी खेती होती है। तो इसके बाद मिलते हैं सीधा इसके नेक्स्ट स्टॉप और इसकी फाइनल डेस्टिनेशन जयनगर में। मधुबनी में काफ़ी लोग उतरे हैं, यानी लगभग ये ट्रेन पूरा ही यहाँ खाली हो चुकी है। आप लोग का भी गाड़ी होता है? गाड़ी नहीं होता हम लोग, पवन होता है। सही होता है, मतलब आप लोगों ने डिसाइड कर कौन किसने जाएगा, कौन कौन ट्रेन में जाएगा ना? आपका कोई ट्रेन नहीं है तो आपका क्या काम है? मेरा काम है बाबू, आओ इधर, सबसे पैसा लो, चलिए। ठीक जयनगर में उस साइड लगी हुई है जयनगर राउरकेला एक्सप्रेस, जो जाती है वाया बरौनी झाझा जसीडी धनबाद के रास्ते, रांची के रास्ते राउरकेला। तो लगभग 1235 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लगभग 22 घंटे बाद हम पहुंच चुके हैं बिहार नेपाल बॉर्डर और इस स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस की फाइनल डेस्टिनेशन जयनगर। पूरे आधे घंटे बिफोर 7:30 बजे का यहाँ टाइमिंग था, आइए 7 बजे। दोस्तों बात करें इस स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन की, तो काफ़ी फर्स्ट क्लास ट्रेन है ये, काफ़ी अच्छी ट्रेन है ये दिल्ली से दरभंगा मधुबनी और जयनगर आने के लिए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।